जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट लाइफ मौशी तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरत पैगाम है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उस वक्त की जाती है जब इसकी जरूरत नहीं होती। इसकी जरूरत बेटी की शादी, बेटे की आला तालीम, बीमारी, माजूरी, मौत या रिटायरमेंट के वक्त पड़ती है। मैं यूँ कहूँगा, जिस तरह जिंदगी में अच्छा लिबास, अच्छी रिहाइश, बेहतरीन गाड़ी और अच्छा तर्ज जिंदगी जरूरी है, इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस भी हर घर की जरूरत है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सालाना बेसिस पर स्टेट लाइफ को 50,000 रुपये पे करते हैं बतौर प्रीमियम के तौर पे, तो आपको 20 साल बाद जो है तकरीबन 50 लाख अमाउंट मिल सकती है। ओके, तो इसका तरीक़ेकार क्या है, आपको जो है मंथली अपने पास तकरीबन 4,500 रुपये के करीब जो है अमाउंट सेव रखनी है। ठीक है, आप अगर सेव करते हैं मंथली 4,000-5,000 रुपये अपने पास, तो जब आप साल में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ से, तो आपके पास तकरीबन 60,000 रुपये के करीब अमाउंट बन जाएगी या 50,000 रुपये के करीब अमाउंट बनती है। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप स्टेट लाइफ की पॉलिसी ले सकते हैं और इस पॉलिसी में जो भी आपकी एज होगी उसके मुताबिक पैसे लिए जाएंगे आपसे। उसके बाद आप जब स्टेट लाइफ को पे करेंगे 50 से 60,000 रुपये, तो 20 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको जो है तकरीबन 50 लाख के करीब अमाउंट मिल जाएगी। उस 50 लाख को आप जो है शादी वगैरह में या बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं या फिर बाहर घुमाली जाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, इस तरह कोई भी आपकी ज़रूरत है या कोई भी आपका गोल है उसको आप पूरा कर सकते हैं इस अमाउंट से। ओके, तो ये एक अच्छी सेविंग है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। स्टेट लाइफ में आप आएँ और ये हमसे अपने लें, समझें, उसके बाद पॉलिसी करवाएं। ओके, तो मेरे जो ऑफिस है वो मेरे शहर फैसल पर है, फरहान होटल के पास। आप आ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आपके पास 50,000 नहीं है, आपके पास 30,000 रुपये है या फिर आपके पास 15,000 रुपये हैं, तो आपको वो प्लान भी समझा दिए जाएंगे। हमारे पास छोटे प्लान भी हैं और बड़े प्लान भी हैं, जो भी आपकी इनकम है मंथली उसके मुताबिक आपको प्लान समझा दिया जाएगा। और अच्छी चीज़ें, अच्छी अमाउंट है कहीं ना कहीं पे जो है आपके पास, जो भी आपकी अमाउंट है कहीं ना कहीं पे सेफ हो रही होगी और एक अच्छा बेनिफिट, अच्छा बोनस भी दे रही है स्टेट टाइप। इसके अलावा क्या है, अगर पॉलिसी आपने करवाई हो, खुदा ना खासा दौराने पॉलिसी डेथ वगैरह हो जाती है, तो उस सूरत में आपकी फैमिली को जो है नेचुरल डेथ की मद में 10 लाख रुपये पे करती है स्टेट टाइप, और एक्सीडेंट की सूरत में 20 लाख रुपये पे कर रही होती है। इसके अलावा अगर आपको इन केस 3 साल बाद आपको अगर लोन की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप तकरीबन 80% जो है स्टेट लाइफ से लोन ले सकते हैं। ओके, अब लोन क्या होता है, जो आपने अमाउंट जमा करवाई ना उसके ऊपर लोन मिलता है। अब जब आप लोन लेंगे तो लोन लेने के बाद वो आपको रिटर्न भी करना है, तो आप मंथली बेसिस पर जो भी आपको पॉसिबल हो, जो भी आपके लिए आसान हो इंस्टॉलमेंट, उसमें आप अदा कर सकते हैं। यानी 5,000 रुपये मंथली देके, 10,000 रुपये मंथली देके आप इस लोन को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, पॉलिसी करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं, आपका एलआईसी होना चाहिए, और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ का होना चाहिए नॉमिनी में, यानी आप अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं तो उनका होना चाहिए, तो इन दोनों एलआईसी की कॉपी होनी चाहिए बस। पॉलिसी का तरीक़ेकार में सिर्फ यही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा बस सिंपल आपका एलआईसी होना चाहिए और नॉमिनी में आप जिसको भी रखना चाहते हैं, अपने फादर, ब्रादर, सिस्टर, वाइफ, जिसको भी आप रखना चाहते हो उसके एनआईसी, उसके एनआईसी कॉपी होनी चाहिए। ओके, तो अच्छी चीज़ें करवाएं, तो ये बेनिफिट है। ख़ासतौर पे दिसंबर से पहले जो लोग भी करवाएंगे उनको जो है पूरे साल का बोनस मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर कोई क्यूरी हो आपके माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरी का जवाब दूँ। तो आई होप तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अयाज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये रोजाना बचा के 20 साल बाद 1 करोड़ रुपये हासिल कर सकते हैं। तो सिंपल और आसान तरीका है, करना क्या है, देखिए आप अगर कोई कारोबार करते हैं, आपकी कोई शॉप वगैरह है या कोई आपका बिजनेस वगैरह है, या अगर आप जॉब भी करते हैं, तो आप की अगर कोई शॉप है तो आपको डेली बेसिस पर जो है अपने पास जो है 300 रुपये सेव करने हैं। ओके, 300 रुपये सेव करने हैं या उठा के अलग कर देने हैं। ओके,
अब 300 रुपये डेली आप जब निकालेंगे तो महीने की कितने बन जाएगी आपकी अमाउंट, तकरीबन 9,000 रुपये। इस 9,000 रुपये को आप जब साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल की अमाउंट बनेगी आपकी 1,08,000 रुपये। तो देखा आपने कितनी बड़ी अमाउंट बन चुकी है, 1,08,000 रुपये। इस 1,08,000 रुपये को अगर आप स्टेट लाइफ वालों से पॉलिसी लेते हैं 1,00,000 वाली और बतौर प्रीमियम भी तौर पर आप अदा करते हैं 1,00,000 रुपये साल के, तो 20 साल बाद आपको तकरीबन 1,00,000 रुपये मिलेंगे। तो एक छोटी सी फिगर को, एक छोटी सी अमाउंट को डेली बेसिस पर सेव करना है सिर्फ 300 रुपये डेली। ओके, तो अच्छी पॉलिसी ये, 20 साल बाद आपको 1,00,000 मिलेंगे। आप उसमें जो है कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपको एयरपोर्ट वगैरह जाना है वहाँ जा सकते हैं आप, या कोई बच्चों की शादी वगैरह या फिर एजुकेशन वगैरह के कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह उसमें आप इस अमाउंट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें इस पॉलिसी में और क्या बेनिफिट्स हैं इसमें देखें, अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो जाते हैं और आपको 3 साल बाद लोन वगैरह की जरूरत पड़ जाए या पैसों वगैरह की जरूरत पड़ जाए तो आप स्टेट लाइफ से लोन भी ले सकते हैं। स्टेट लाइफ आपको लोन कितना देता है देखें, ये जो भी आपने पॉलिसी जमा करवाई होगी 3 साल में, आप 1,00,000 रुपये के हिसाब से आपने 3 साल में 3,00,000 रुपये जमा करवाए तो 3,00,000 का 80% जो है स्टेट लाइफ आपको लोन देता है। आप 80% कितनी, तकरीबन 2,40,000 रुपये के करीब अमाउंट आपको लोन के तौर पर मिल जाएगी। अब जब आपके पास लोन मिल जाएगा, आपका जो भी ज़रूरी काम है आप उसको पूरा करेंगे, उसके बाद आप जो है स्टेट लाइफ को मंथली बेसिस पर जो भी आपने लोन लिया है वो आप अदा करेंगे वापसी। यानी आप चाहे तो अपनी मर्जी से जो भी आपको पॉसिबल हो, जो भी आपके लिए आसान हो, आप उसकी इंस्टॉलमेंट बना के खुद से अदा कर सकते हैं स्टेट लाइफ को। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो आप वो वापसी करके उसको अपने जो भी लोन को उसको ख़त्म कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं अगर आपने अपनी पॉलिसी करवाई है, खुदा ना खासा दोहराने पॉलिसी 20 साल के अंदर, ठीक है, खुदा ना खासा अगर डेथ वगैरह हो जाती है तो आपकी फैमिली को जो है स्टेट लाइफ जो है एट द टाइम तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी फैमिली क्लेम करती है तो तकरीबन 20,00,000 रुपये करीब अमाउंट देगी। ओके, और अगर नेचुरल डेथ हुई है तो उस सूरत में 20,00,000 रुपये है, और अगर एक्सीडेंटली डेथ हुई है तो उस सूरत में 40,00,000 रुपये देती है। ओके, इसके अलावा अगर आपने पॉलिसी करवाई है FIP वाली तो तकरीबन सालाना बेसिस पर जो है 50,000 से 60,000 रुपये की आपकी फैमिली को जो है पेंशन के तौर पर मिलता रहेगा 20 साल तक। ओके, इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, ये मेजर सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह हो तो उसमें भी सपोर्ट करता है स्टेट लाइफ, या कोई बॉडी का कोई भी पार्ट वगैरह अगर कोई ज़ाया हो जाए तो उसमें भी जो है स्टेट लाइफ जो है सपोर्ट कर रहा होता है। ओके, तो ये एक अच्छी सेविंग है, और अगर आप चाहते हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना, अच्छी सेविंग करना, तो आप ज़रूर पॉलिसी करवाएं स्टेट लाइफ की। ये मेरा जो ऑफिस है वो मेन शरीफ फैसल का फरहान होटल के पास है, आप चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा 0313-261-8209। ये मैंने आपको 1,00,000 वाला प्लान बताया है, इसमें हमारे छोटे प्लान भी हैं और इससे ज़्यादा भी हैं। आपको 50,000 वाला प्लान चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा, आपको 30,000 वाला चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है आप जो भी मंथली सेविंग करते हैं या जो भी आपकी इनकम है उसके मुताबिक हम आपको प्लान बता देंगे, समझा देंगे, उसके बाद हम आपको देते हैं। ओके, तो आप आ सकते हैं मेरे ऑफिस में, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप आएंगे वहीं पर ऑफिस में आपको प्लान समझा दिया जाएगा, फॉर्म फिल कर दिया जाएगा, और उसी के साथ जो है आप पेमेंट अगर लेके आएंगे तो इससे टाइप के जोन में पेमेंट जमा करवाएंगे, पेमेंट जमा करवाने के बाद आपको जो है उसकी रिसीप जो होती है, रिसीविंग जो होती है वो भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो आई होप तमाम चीज़ें आपके वो क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो आप लोगों के माइंड में तो आप लोग मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की तमाम क्वेरीज का जवाब दूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।